दोस्तों जब भी सोलर कार इस शब्द को आप और हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ऐसी कार जो धूप से चार्ज हो जाती है, जिसे चलाने के लिए ना तो आपको पेट्रोल डीजल भराने की जरूरत है और ना ही उस कार को कभी लाइट से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, बल्कि वो सोलर कार है यानी कि सूर्य की रोशनी से ही चलते हुए चार्ज हो जाती है, राइट। ऐसा ही हमें दिमाग में फील आता है। लेकिन क्या आपको पता है सोलर कार के पीछे वाकई में साइंस क्या होती है? और दुनिया की पहली सोलर कार लाइट ईयर जीरो का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। क्या है इसकी खूबियां, इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं आपको, आइए देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। दरअसल कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है ऑफिशियल तौर पर कि दुनिया की पहली सोलर कार मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया गया और इस कार के मॉडल का नाम रखा है लाइट ईयर जीरो। ये कंपनी नीदरलैंड की है और कंपनी दावा कर रहे हैं कि इस गाड़ी को आप सिंगल चार्ज पर लगभग 700 किलोमीटर तक की रेंज तक चला सकते हैं। दिलचस्प बात यह दोस्तों कि इस गाड़ी को 150 लोगों ने तो प्री ऑर्डर भी दे दिया। दरअसल इसी महीने जून 2022 में डच मोबिलिटी स्टार्टअप लाइट ईयर ने घोषणा की थी कि उनका पहला प्रोडक्ट सोलर से चलने वाली कार है। उस समय लाइट ईयर ने यह भी कहा था कि वह इस साल नवंबर में यूरोपियन ग्राहकों के लिए डिलीवरी के लिए सितंबर तक इस मॉडल का उत्पादन कर देगी शुरू। लेकिन अब फाइनली नवंबर दिसंबर के बीच दौरान लाइट ईयर जीरो का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। इसमें आपको बैटरी पैक कितना मिलता है, सबसे पहले आपको बता दूं ये सोलर कार 60 किलोवाट बैटरी से लेस है। इसको सिंगल चार्ज पर 600 से 700 किलोमीटर तक आसानी से चला सकते हैं। इस सोलर कार में सोलर पावर के लिए कार के ऊपर छत पर 5 स्क्वायर फीट मीटर का डबल कर्व्ड सोलर लगाया गया, मतलब कार का जो रूफटॉप पैनल होता है ना उसके ऊपर कर्व्ड सोलर प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी। इस पैनल की मदद से ये कार लगभग 70 किलोमीटर की रेंज अतिरिक्त देती है। इस तरह से नई कार की ओवरऑल रेंज आपको 700 किलोमीटर से अबव मिल जाती है। वहीं पूरे साल की बात करें तो ये कार 1100 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। कंपनी ने आधिकारिक बयान में यह भी खुलासा किया कि सोलर से चलने वाली कार 6 साल के अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइप और परीक्षण के बाद इसको प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया। और कंपनी का यह भी कहना कि लाइट ईयर जीरो वाहन मालिकों को 7 महीने तक घरेलू बिजली या चार्जिंग स्टेशन में प्लग किए बिना यात्रा करने की अनुमति देगा। मतलब ये दोस्तों कि काफी हद तक आपको ये सोलर से भी चलने की इजाजत देती है, यानी कि रेंज आपकी बढ़ा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि सोलर कार मतलब कि इसको चार्ज लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। चार्ज तो इसे करना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक जब आपकी गाड़ी चलती है ना तो ऊपर से धूप आती है ना, उससे भी आपकी गाड़ी की छत पर लगी सोलर प्लेट्स करंट बनाती और उससे भी आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती रहती है। तो इस वजह से आपको काफी ज्यादा माइलेज एक्स्ट्रा मिल जाता है, थोड़ी लॉन्ग रेंज मिल जाती है, लेकिन फिर भी चार्ज तो करना पड़ेगा। और अंत में दोस्तों इस कार की कीमत की बात करें तो कंपनी का कहना है कि 2 करोड़ रुपए से अबव रहेगी इसकी कीमत फिलहाल तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। वैसे दोस्तों इलेक्ट्रिक कार हमारे भारत में कौन कौन सी लॉन्च हो चुकी है, किसी एक इलेक्ट्रिक कार का नाम कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप सभी काम की खबरें और सरकारी योजनाओं से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।